हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड टेकी एंड ट्रेवलर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेने का प्लान कर रहे हैं तो बजट प्राइस में सबसे अच्छी हार्ड डिस्क इस समय कौन सी है। यदि आप हार्ड डिस्क लेने जाते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को जानना जरूरी है, साथ ही एक बजट प्राइस में सबसे अच्छी हार्ड डिस्क इस समय कौन सी है उसके बारे में बताऊंगा। और इस हार्ड डिस्क में फाइल कॉपी करने या इस हार्ड डिस्क से अपने कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की स्पीड क्या मिलती है उसको टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के अंत में मैं आपको हार्ड डिस्क और उसके एक्सेसरीज से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, अब जल्दी से देख लेते हैं कि आपको एक हार्ड डिस्क खरीदने से पहले किन किन बातों को जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आती है कि आपको कितने स्टोरेज कैपेसिटी की हार्ड डिस्क चाहिए, और दूसरा उसमें आपको रीड राइट स्पीड कितनी आपको चाहिए, आपको एक एवरेज स्पीड चाहिए या बहुत ही फास्ट स्पीड चाहिए, और उसका कॉस्ट आपका आपका बजट कितना है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको साथ ही आपको कितने साल की वारंटी चाहिए वो देखना है, या फिर आपको आपके हार्ड डिस्क का साइज कितना, आपको लाइट वेट चाहिए या फिर बल्कि हार्ड डिस्क भी आपको चलेगी। तो ये पांच पैरामीटर्स हैं जिनको सोच के आपको अपने हार्ड डिस्क को डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी हार्ड डिस्क लेनी है। तो मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों, इस समय कई कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे 500 GB से लेकर 5 TB तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है और क्या क्या सही है। जैसे कि यदि आप बहुत ही ज़्यादा स्पेस की हार्ड डिस्क, 5 TB की हार्ड डिस्क यदि आप ले लेते हैं, तो इन केस यदि वो ख़राब हो गई तो आपका सारा डेटा जो आपने उसमें स्टोर किया वो एक साथ चला जाएगा। तो दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि यदि आप हार्ड डिस्क लेना, ज़्यादा स्पेस की हार्ड डिस्क लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप 1.5 TB या फिर 2 TB की दो हार्ड डिस्क ले लीजिए, क्योंकि कॉस्ट वाइज आपको ये उतना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका डेटा दो हार्ड डिस्क में सेफ रहेगा। अब बात कर लेते हैं रीड राइट स्पीड की। तो रीड राइट स्पीड, जैसा मैंने बताया कि आपको हार्ड डिस्क से फाइल कॉपी करने अपने कंप्यूटर में या फिर अपने कंप्यूटर से हार्ड डिस्क में फाइल कॉपी करने की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो क्या होती है, तो इस समय दोस्तों ये स्पीड आपकी डिपेंड करती है कि आपके हार्ड डिस्क में हार्डवेयर इंटरफेस कौन सा लगा हुआ है, कौन सा सपोर्ट करता है। जैसे कि हाँ, USB 2.0, 3.0 या 3.1, ये आपने देखा होगा हार्ड डिस्क के बॉक्स पे भी लिखा रहता है। तो इसमें 2.0 जो है वो एक एवरेज स्पीड देता है, यानी 30-35 MBPS की स्पीड आपको मिलती है। और USB 3.0 की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी हाई स्पीड मिलती है, जैसे कि अराउंड 130-135 MBPS की स्पीड इसमें मिलती है। और USB 3.1 की बात करें तो इसमें आपको 220 या से लेकर 250 तक, 250 MBPS तक की स्पीड इसमें मिल जाती है। लेकिन यही है कि 3.1 जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो यदि आपको एक बजट प्राइस में चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप USB 3.0 के लिए जाइए, जो कि 2.0 भी सपोर्ट करेगा। तो आपका एक बजट प्राइस में आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी। दोस्तों, कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे स्टोरेज कैपेसिटी या फिर आपकी हार्ड डेटा ट्रांसफर की स्पीड आपकी बढ़ती है, वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी बढ़ता है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको हार्ड डिस्क लें जिसमें आपको एक आप एक बैलेंस आपको मिल जाए, कि आपको ज़्यादा कॉस्ट भी ना लगे और आपको अच्छी स्पीड भी मिल जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि यदि आप 1.5 TB की हार्ड डिस्क के लिए जाते हैं तो वो आपको जैसे करीब, यदि आप किसी आजकल के फेस्टिव ऑफर्स के इस टाइम में आप देखें तो आपको ये 4,000 से लेके 4,500 की डील प्राइस पे मिलती है। और यदि आप कुछ अपने क्रेडिट कार्ड का उसमें ऑफर और अप्लाई करें तो आपको ये अराउंड 3,600 से 3,700 के आसपास मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी डील है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसके लिए जा सकते हैं या फिर 2 TB की हार्ड डिस्क के लिए भी जा सकते हैं। बट 1.5 TB से 2 TB में आपको जो स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा वो 500 GB का मिलेगा, लेकिन कॉस्ट वाइज यदि आप देखें तो वो अराउंड 1,000 रुपीज़ ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये उतना बेटर नहीं है, तो 1.5 TB की हार्ड डिस्क लेना बेटर रहेगा। अब बात कर रहे हैं वारंटी के बारे में। तो दोस्तों, वारंटी आपको यदि आप सीगेट की हार्ड डिस्क के लिए जाते हैं तो उसमें आपको 3 ईयर्स की लिमिटेड वारंटी मिलती है। यदि आप WD की एलिमेंट्स हार्ड डिस्क के लिए जाते हैं तो उसमें 2 ईयर्स की लिमिटेड वारंटी मिलती है। और यदि आप WD की माई पासपोर्ट हार्ड डिस्क के लिए जाते हैं तो उसमें आपको 3 साल की लिमिटेड वारंटी मिलती है। तो अब आप सोच रहे होंगे लिमिटेड वारंटी का क्या मतलब है। तो दोस्तों, लिमिटेड वारंटी का मतलब है कि इसमें कोई किसी प्रकार का भी फिजिकल डैमेज जो है कवर नहीं होता है। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क गिर गई या फिर गिरने की वजह से उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट उसमें डैमेज हो गया, तो वो आपके वारंटी में कवर नहीं होगा।
लेकिन यदि कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, डिटेक्ट नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, वो आपको इसमें कवर होगा और वो आपको हार्ड डिस्क रिप्लेस करके दे देंगे। अब बात कर लेते हैं वेट और साइज की। तो जैसे जैसे मेमोरी कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वेट और साइज भी बढ़ेगा। इसके लिए मैं बोल रहा था कि जैसे यदि आप 5 TB की हार्ड डिस्क के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी बल्की होगी और उसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो बेटर है कि आप 1.5 TB या 2 TB की दो हार्ड डिस्क ले लें, जिसमें आपको स्पेस भी आपको पूरा मिल जाएगा और आपके पास दो हार्ड डिस्क में डेटा सेफ रहेगा और काफ़ी लाइट वेट भी रहेगी ये 1.5 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी हार्ड डिस्क जो मैंने खरीदी है उसके लिए जो मैंने स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया वो ये था कि 1.5 TB की हार्ड डिस्क है और उसकी जो उसमें USB 3.0 सपोर्ट करता है, तो मेरे को इसमें 130 MBPS की स्पीड मिल गई। और कॉस्ट वाइज भी ये मेरे को सारी ये डील्स और क्रेडिट कार्ड के जो ऑफर थे वो अप्लाई करने के बाद ये मेरे को 3600 की पड़ी और वारंटी मेरे को उसमें 3 साल की मिल गई। इस हार्ड डिस्क का वेट मात्र 170 ग्राम्स है और ये हार्ड डिस्क बहुत ही छोटी सी हल्की हार्ड डिस्क है जो कि मेरे हथेली में आ जाती है, मतलब इजीली आप उसको कैरी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हार्ड डिस्क इस समय बजट प्राइस में काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि इस हार्ड डिस्क के बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इस हार्ड डिस्क में फाइल ट्रांसफर करने या हार्ड डिस्क से फाइल ट्रांसफर करने की स्पीड क्या मिलती है, तो वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सीगेट की इस 1.5 TB एक्सपेंशन हार्ड डिस्क का परचेज लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यदि आपको ये हार्ड डिस्क अच्छी लगे तो आप इस हार्ड डिस्क को इस लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह सीगेट की 1.5 TB की एक्सपेंशन हार्ड डिस्क मैंने अमेजन से खरीदी है। इसके बॉक्स पे देखें तो इसमें आपको USB 3.0 और USB 2.0 दोनों का सपोर्ट मिलता है। इसकी MRP देखें तो 5899 की MRP लिखी है, जबकि अमेजन से मुझे ये 3600 की पड़ी। अब इसके बॉक्स के अंदर देख लेते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले यूज़र मैनुअल है और हार्ड डिस्क है केबिल के साथ में। तो इसके हार्ड डिस्क को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका हार्ड डिस्क काफ़ी छोटी सी सुंदर सी हार्ड डिस्क है, जो कि इसमें क्रिस्टल डायमंड एजेस हैं जो काफ़ी प्यारे लगते हैं। अब इसकी केबल देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों ये 18 इंच की एक USB 3.0 की केबल दी है, जिसके एक साइड पे USB 3.0 पोर्ट है, दूसरे साइड पे माइक्रो बी पोर्ट दिया है। तो दोस्तों ये तो इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो हमें मिलता है। तो दोस्तों मैं इस हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने कनेक्ट किया और आप ये देखिए यहाँ पे एक ब्लू लाइट जल गई जो कि अभी ब्लिंक करेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीगेट की ड्राइव को लैपटॉप ने डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पे 1.6 TB दिखा रहा है। तो आप अभी सरप्राइज होंगे कि यार मैंने तो 1.5 TB की हार्ड डिस्क खरीदी और यहाँ पे 1.36 TB दिखा रहा है, तो बाकी का स्पेस कहाँ गया। तो दोस्तों यहाँ पे कैच ये है कि कोई ये सब जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं सीगेट या WD कोई भी हो, ये जो मेमोरी साइज़ है 1 KB को 1000 बाइट मानते हैं और उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो ये बोलते हैं कि इनका 1.5 TB या 2 TB इस तरह से है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि आप 1.5 TB की हार्ड डिस्क TB को यदि 1.5 TB को यदि आप बाइट्स में कन्वर्ट करें तो वो इतना आता है। ये कैसे आया, 1.5 × 1000 × 1000। सो ये मैन्युफैक्चरर इसको थाउजेंड्स मानते हैं और उस हिसाब से करते हैं, तो ये 1.5 ये बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली जो आपका लैपटॉप है ये विंडोज़ उसको कैलकुलेट करता है 1 KB को 1024 बाइट, 1024 बाइट। तो उस हिसाब से यदि देखें तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल विंडोज़ इसको 1.5 TB को कितना कैलकुलेट करता है, तो वो करेगा ये, आपने ये लिया अब यहाँ पे ये विंडोज क्या करेगा कि इसको 1024 से डिवाइड करेगा, फिर 1024 से डिवाइड करेगा, फिर 1024 से डिवाइड करेगा। इतना करने के बाद देखिए कितना आता है, 1.36 अप्रोक्सीमेटली, करीब इतना कैलकुलेशन से इतना आता है, बट ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1.36 या 1.38 वेरी करता है इतना। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये आपका 1.36 TB यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि आप इस हार्ड डिस्क में कुछ राइट करते हैं या फिर हार्ड डिस्क से कुछ रीड करते हैं तो उस वो कितना स्पीड आपको मिलता है इसमें। तो उसके लिए मैंने
अब ये देखिए, तो हाँ, उसके पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये सब कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन इसमें दी रहती हैं, जिसमें एक वारंटी का पीडीएफ, जिसमें वारंटी की डिटेल रहेगी और उसके क्लॉज रहेंगे। और साथ ही साथ ये जो दो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, एक तो ये मैक और एक ये विंडोज़ की, तो यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको लॉन्च करके अपने इस हार्ड डिस्क को सीगेट की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरूर से ये आप बिना भूले इसको जरूर से रजिस्टर कर लीजिएगा। ये आपके बाद में यदि आप कुछ वारंटी क्लेम करने जाते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब मेरे पास एक फाइल है जो कि अराउंड 2.3 GB की फाइल है। अब इसको मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें कॉपी करता हूँ पहले, तो ये पता चलेगा कि हार्ड डिस्क में यदि मैं कुछ राइट कर रहा हूँ तो मेरे को उसकी स्पीड कितनी मिल रही है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें स्टॉप वॉच भी ऑन कर दूंगा। तो ये मैंने कॉपी किया, साथ में स्टॉप वॉच ऑन कर दी। तो अभी आप देखिए कि मेरे को अराउंड 130-125 MBPS की स्पीड मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है ये। अब देखेंगे कि कितनी तेज़ मेरी फाइल कॉपी हो रही है। मतलब 2.3 GB की फाइल है और ये देखिए, मात्र 18 सेकेंड्स में ये 2.3 GB की फाइल को इसने हार्ड डिस्क में राइट कर दिया। अब हम देखते हैं कि यदि सेम फाइल, यदि मेरे को 2.3 GB की फाइल को मैं अपने लैपटॉप में रीड करता हूँ तो उसके लिए तो कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अपने लैपटॉप वाली फाइल को, और अब इसी फाइल को मैं यहाँ से अपने लैपटॉप में रीड करूँगा। तो यहाँ से मैंने हार्ड डिस्क से कॉपी की, अब मैं इसको अपने लैपटॉप में पेस्ट करता हूँ। इसको मैंने पेस्ट किया और इसके साथ ही मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको अराउंड 135 MBPS की स्पीड दे रहा है, जो कि ये मतलब रीड और राइट ऑलमोस्ट सेम 130 MBPS की स्पीड से ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। तो यहाँ पे यदि आप देखें, ये अराउंड 17 सेकेंड्स में इसने इस कॉपी इसको यहाँ से रीड कर लिया। तो रीड और राइट स्पीड इसकी काफ़ी इम्प्रेसिव है, नो डाउट। दोस्तों, ये तो बात हुई आपके हार्ड डिस्क के रीड राइट स्पीड के मैनुअल टेस्ट की। अब यदि आपको यही एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये चेक करना है कि आपके हार्ड डिस्क की रीड राइट स्पीड क्या है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है क्रिस्टल डिस्क मार्क, और इसको आपको रन करना है और ये आपके हार्ड डिस्क की रीड राइट स्पीड को बता। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब स्पीड टेस्ट की रीडिंग्स आ चुकी हैं और इसमें मेरे को रीड और राइट दोनों स्पीड ऑलमोस्ट सेम मिल रही है। रीड स्पीड यानी कि हार्ड डिस्क से लैपटॉप में फाइल कॉपी करने की जो स्पीड है 132 MBPS, और लैपटॉप से हार्ड डिस्क में फाइल राइट करने की जो स्पीड है वो अराउंड 130 MBPS के आसपास मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है। तो ये सीगेट की एक्सपेंशन हार्ड डिस्क की जो रीड और राइट स्पीड है वो काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो दोस्तों, सीगेट की इस 1.5 TB एक्सपेंशन हार्ड डिस्क का परचेज लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यदि आपको ये हार्ड डिस्क अच्छी लगे तो आप इस हार्ड डिस्क को इस लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हार्ड डिस्क और उसके कुछ एसेसरीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने सिर्फ हार्ड डिस्क की केबिल को देख के कैसे पहचानेंगे कि वो USB 2.0 सपोर्ट करता है या USB 3.0 सपोर्ट करता है? तो ये दोस्तों बहुत सिंपल है। यदि आपके यूएसबी केबल के यूएसबी पोर्ट पे ब्लू कलर है तो वो USB 3.0 या 3.1 सपोर्ट करता है, और यदि ब्लैक कलर है तो वो USB 2.0 सपोर्ट करता है, एंड वाइट है तो वो USB 1.0 सपोर्ट करता है। तो आप दोस्तों इजीली आप पहचान सकते हैं कि कौन सा केबल को किस पोर्ट में लगाना है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपको USB 3.0 का यदि केबल है तो उसको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के किस यूएसबी पोर्ट पर लगाना है? क्योंकि अक्सर लोग ये गड़बड़ करते हैं। आप दोस्तों ये देखें कि USB 3.0 जो होता है उसका सिंबल ये होता है SS और फिर ये सिंबल, और USB 2.0 जो होता है उसकी उसका सिंबल ये होता है। अभी आप अपने लैपटॉप में अपने यूएसबी पोर्ट में देखें तो जनरली 3 या 4 पोर्ट होते हैं, उनमें से कुछ पोर्ट जो होते हैं वो SS पोर्ट होते हैं, जो कि USB 3.0 सपोर्ट करते हैं, यानी हाई स्पीड सपोर्ट करते हैं। लेकिन यदि आपका हार्ड डिस्क हाई स्पीड सपोर्ट कर रहा है, USB 3.0 सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप उसको अपने USB 2.0 वाले पोर्ट पे लगाते हैं जिसमें कि ये सिंबल बना हुआ है, तो आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी डेटा ट्रांसफर की। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपका हार्ड डिस्क USB 3.0 सपोर्ट कर रहा है तो आपको अपने केबिल को USB केबिल को
इस सिंबल वाले पोर्ट पे ही लगाना है, और यदि हार्ड डिस्क सपोर्ट नहीं कर रहा है तब आप अपने नॉर्मल किसी भी पोर्ट पे लगा सकते हैं। तो हमेशा लोग यही गलती करते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे को स्पीड नहीं मिल रही है। यदि आप गलत पोर्ट पे लगाएंगे तो आपको स्पीड नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और फर्दर शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।